मैं अनीता मेहता चेन्नई से, मेरा फ़ोन नंबर 9171747177। आज हम बनाएंगे जैन दाल पकवान। उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखिए। उसके लिए एक कप चने की दाल ली है मैंने उबली हुई, चौंक लगाने के लिए घी लिया है, केरी पल्ला लिया है, सूखी लाल मिर्ची ली है, राई ली है, जीरा लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है। पकवान बनाने के लिए क्या चाहिए देखिए। एक कटोरी मैदा, नमक, मोइन के लिए तेल, अजवाइन, गुनगुना पानी, ऑल करने के लिए कांटा, ऑयल डालने के लिए स्पून। पकवान को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए। कटा हुआ टमाटर, इमली की चटनी, हरी चटनी, कद्दूकस किया हुआ चीज़, हरी ककड़ी, हरा धनिया। भुजिया मैंने ये लिया है, लॉकडाउन की वजह से अभी वो बारीक वाला अवेलेबल नहीं है इसके लिए। सबसे पहले अपन दाल चौंकेंगे, उसके लिए घी डाला है मैंने। घी गर्म हो गया है, उसमें मैंने राई डाली है, जीरा डाला है, केरी पल्ला डाला है, हरी मिर्ची डाली है। गैस एक मिनट के लिए ऑफ कर देंगे। हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, दाल छोंक देंगे। दो रेडी करके रख दिया मैंने। अब मैं बेल रही हूँ, सहायता से अब मैं होल कर रही हूँ। फिर इसको फ्राई कर लेंगे खाजे की तरह। तेल गरम हो गया है, मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। रेडी हो गया है, इसको हम डेकोरेट करेंगे। अब मैं इसको सजाने के लिए सबसे पहले चने की दाल डाल रही हूँ, सब्जी जो बनाई थी। अब इन सब चीज़ों से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। देखिए अपना जैन दाल पकवान बनके रेडी हो गया है। जब कोई भी घर पे मेहमान आ जाए जो जमीकंद नहीं खाते हैं, उनको आप खिलाइए, आप भी खाइए। जय जिनेंद्र।